वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि अदर कंट्री जो है साउथ अफ्रीका वगैरह, वो देशों में भी एजुकेशन डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक सोच रही है। तो ये एक गुजरात के लिए सद्भाग्य है। आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब के मार्गदर्शन के साथ एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है। गुजरात में विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि हमारा जो एजुकेशन का सब मॉनिटरिंग यहाँ से होता है, पूरा गुजरात में एजुकेशन शिक्षा में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये विद्या समीक्षा केंद्र का ओपनिंग किया था और उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ने हमें जो लोन दी है एजुकेशन के लिए और उसका जो यूज गुजरात ने किया, अंत्योदय तक गाँव तक एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम के द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास बनाना, सब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का जो प्रयोग किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि अदर कंट्री जो है साउथ अफ्रीका वगैरह, वो देशों में भी एजुकेशन डेवलप करने के लिए वर्ल्ड बैंक सोच रही है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा गुजरात गवर्नमेंट का जो विद्या समीक्षा केंद्र में दिखाने के लिए आज करीब 20 कंट्री के प्रतिनिधि और 4-5 कंट्री से मिनिस्टर आए हुए हैं। सभी कंट्री के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक गुजरात के लिए सद्भाग्य है कि हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट देखने के लिए आए हैं। और गुजरात आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब के मार्गदर्शन के साथ एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम आशा रखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो सोचा है 2020 नई शिक्षा पद्धति, वो गुजरात में पूरा अमलीकरण हो और गुजरात एक एजुकेशन मॉडल में भी राष्ट्र का इंजन बने। और आज पूरा विश्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र की एक जो नामना हुई है और ये हमारा गर्व है। तो ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी भी ये समीक्षा केंद्र से बहुत खुश है और ये पूरा राष्ट्र में और अदर कंट्री में भी उसका प्रयोग किया जाएगा, ऐसी सोच वर्ल्ड बैंक की है। गुजरात का ये मॉडल विकसित कंट्री है जो साउथ अफ्रीका वगैरह, जहाँ अभी एजुकेशन में काफ़ी सुधार और बदलाव की ज़रूरत है और वर्ल्ड बैंक जो सोच रही है, तो ये जो मॉडल किया है ये बहुत ज़रूरी है और सब देश ये मॉडल के साथ आगे बढ़े, ऐसी सोच वर्ल्ड बैंक की है।